शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के बालिका गृह कांड का गुस्सा आज शाहजहांपुर की सड़कों पर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें देवरिया कांड के अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी करके फांसी की सजा की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार देवरिया कांड के मुलाजिमों को फांसी की सजा नहीं दिलवाती है और पीड़ित व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। जैसे कि पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उस वक्त राजभवन से लगातार टीका टिप्पणी या हुआ करती थी कि आज की भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के संबंध में महामहिम के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती है, यह घोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी खिलाफ हमेशा लड़की चली आ रही है और आगे भी रहेगी। सिर्फ देवरिया कांड ही नहीं बल्कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है, भूमाफिया सक्रिय है, जमीन जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, परंतु सरकार बड़े बड़े होल्डिंग और बैनर लगवाने में मस्त है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आधा घंटा हो गया, DSO कह रहा है कि आओ यहाँ तरीका बताते हैं हम आपको कैसे जिला चलाया जाता है। हमने कहा, हमने फोन किया, हमने बोला कि ये काम आप चिट्ठी लगातार लिख रहे हैं, आप चिट्ठी वापस कर देते हैं, हमारी चिट्ठी वापस कर देंगे आप। 15 दिन से आपको हमने कोई अपना जमीन जायदाद नहीं मांग ली, हमने क्षेत्र के राशन कार्ड फीड करने के लिए आपको चिट्ठी लिखी थी, जिनके ऑनलाइन हो गए थे, केवल फीडिंग होनी थी, उनकी फीडिंग नहीं हो पाई। 15-20 दिन से 2 चिट्ठी लिख चुके, तीसरी चिट्ठी मेरे हाथ में है, तो कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हें तरीका बताते हैं कैसे हम बता क्या काम किया जाता है। हम आ गए तरीका पूछने, उनका तरीका पूछने आ गए हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप यहाँ पर कितने फरियादी आए, आप जो परेशान है भटकने में लगातार, जैसे ही हम शहर अंदर घुसे तो लगातार लोग फरियादी आ रहे हैं, तो अभी तक तो रोका जा रहा था उनको, मगर हमारे साथ वो सब लोग अंदर आए तो लोगों ने बताया उनको किस हिसाब से उनकी समस्या, 5-5 दिन से 10-10 दिन से दौड़ा जा रहा है, महिलाएं दौड़ रही हैं, दो काम नहीं हो रहा है, एक साल सरकार अपना काम कर रही मगर सरकार की छवि खराब करने का ही लोग प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पर इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा।